सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का संदेश यह है, जिन भक्तों के घर में पशुधन से जो परेशान है, जिनके पशुधन से हानि होती है, जिनका दूध इत्यादि कुछ छोटे मोटे नेटक चेटक करने वाले टोटकों से रोक देते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े तांत्रिक या बहुत बड़े अपने आप को शक्तिमान बचते हैं। ऐसी अवस्था में जब आपकी भैंस या गाय को जो लोग पीड़ा पहुंचाते हैं, उन लोगों से मेरा कहने का मतलब है कि आप तो दो कंकड़ उठाइए, दो कंकड़ उठाइए बिगर कहें कहीं से भी, और इतना कहिए, हे पंडोकर सरकार, जो आपने कहा ये पशु ठीक हो जाए, और उस सार के दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए, आपका पशु दूध देने चालू कर देगा, उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। दो कंकड़, मात दो कंकड़, ना कोई मंत्र ना कोई जंत्र, मात्र उसी का अचानक बिगटो के दो कंकड़ उठाना और कहना, हे पंडो का सरकार, जो आपने कहा ये सफल हो, उस पशु पर 7 बार घुमा करके और दक्षिण दिशा में फेंक देना, और 15 मिनट वहीं बैठ जाना, वो पशु आपका दूध दे देगा वहीं पर। दूसरा पॉइंट, जिन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को हाई नजर लग जाती है, जो बच्चे नजर हाई टिटकस परेशान है, एक चाकू उठाना हवा में तैराना, 3 बार उस बच्चे या बेटी के उसके धुकधुकी पर हल्का सा फेरना, टच नहीं करना है, फेरना है, काटना नहीं है, फेरना है, नहीं तुम काट दो, पंडित सरकार ने कहा था, यूं फेरना है जिसमें धार ना हो, ध्यान रखना, नहीं तो उसका कट हो जाए, बच्चा छोटा होता है, हाय तो किसी को लग सकती है, नजर किसी को लग सकती है, तो मात्र एक बार नीचे एक बार ऊपर गुणा का निशान बन जाए, और बस आपस हवा में 3 बार लहरा देना, उसकी नजर हाई टोटका खत्म, ना मंत्र ना जंत्र, मात्र घरेलू उपाय जो हमारे पुराने लोग जानते थे, वही मैंने आपको दिया है।